Very good morning, students. Welcome to the class. We are doing chapter number 5 in your civics book, that is Women Change the World. महिलाएं किस तरीके से समाज को बदल रही हैं उसको हम स्टडी कर रहे हैं, जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनको तोड़ रही हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को हम स्टडी कर रहे हैं, किस तरीके से अब इक्वल अपॉर्चुनिटी पाने के लिए जो है कॉम्पीट कर रही हैं मेल्स के साथ, वो सब चीज़ें हम देख रहे हैं, ठीक है। और हम लोग जो है राजचंद्र की स्टोरी पढ़ रहे थे, ठीक है, कि किस तरीके से वो छुपते छुपाते जो है पढ़ना शुरू करती हैं और जो है लेटर्स सीखती हैं, अल्फ़ाबेट सीखती हैं, ठीक है, और जो उनका जो एल्डर सन होता है उसकी जो है बुक्स से जो है वो धीरे धीरे जो है छुपते छुपाते अपनी फैमिली से छुपा कर जो है वो पढ़ना सीखती हैं, ठीक है। तो फर्दर कंटिन्यू करते हैं, पेज नंबर है 61। आफ्टर लर्निंग द अल्फाबेट रश सुंदरी देवी वॉज एबल टू रीड द चैतन्य भगत। वो कहती हैं कि अल्फाबेट सीखने के बाद जो रश सुंदरी देवी थी वो जो है चैतन्य भगत पढ़ने के काबिल हो जाती हैं, उनको जो है पढ़ना आ जाता है। Through her own writing, she also gave the world an opportunity to read about women's life in those days. अपनी writings, जो भी वो उन्होंने लिखा बाद में, वो क्या करता है, वो help करता है, एक opportunity देता है, मतलब महिलाओं उस समय की जो महिलाओं की दशा थी कि शिक्षा नहीं पा सकती थी, वो सब चीज़ें पता करने की एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। इन्होंने जितना भी वर्क किया है, जो भी चीज़ें लिखी है, उसको पढ़ के आप जान सकते हैं कि उस समय महिलाओं को जो है कितना स्ट्रगल करना पड़ता था पढ़ने लिखने के लिए और महिलाओं की जो है लाइफ किस तरीके की होती थी। रश्मि सुंदरी देवी रोट अबाउट हर एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंसेस इन डिटेल्स। उन्होंने अपने रोजमर्रा के जीवन के जो एक्सपीरियंसेस थे उनको डिटेल में लिखा है। देयर वर डेज व्हेन शी डिड नॉट हैव अ मोमेंट्स रेस्ट, मतलब ऐसे भी दिन हुआ करते थे जब उन्हें एक पल का भी जो है रेस्ट नहीं मिला करता था। नो टाइम इवन टू सिट डाउन एंड ईट, इतना भी समय नहीं मिलता था कि वो आराम से बैठ सके और खाना खा सके, इतना मतलब उनको घर का काम करना होता था। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, आज के समय में स्कूलिंग कैसी है, शिक्षा कैसी है वो देखते हैं। टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर्स, आज क्या है, आज के समय में बॉयज़ और गर्ल्स बहुत लार्ज नंबर में स्कूल्स को अटेंड कर रहे हैं। येट एज वी विल सी देयर स्टिल रिमेन डिफरेंसेस बिटवीन द एडुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे कि आज के समय में भी जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं उनके एडुकेशन में डिफरेंस है। इंडिया हैज़ अ सेंसेस एवरी 10 ईयर्स, इंडिया में क्या है सेंसेस होता है, जनगणना होती है हर एक 10 सालों में, ठीक है, जनगणना की जाती है। जनगणना पता है ना, लोगों की काउंटिंग की जाती है कि भारत में कितने नागरिक हैं, ठीक है, कि सोनीपत में कितने नागरिक हैं, फिर हरियाणा में कितने नागरिक हैं टोटल, फिर पूरे हमारे देश में कितने नागरिक हैं, हर 10 साल के बाद हम ये काउंटिंग करते हैं जिसको सेंसस कहा जाता है, सेंसस कहा जाता है, ठीक है, विच काउंट्स द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, इंडिया की कंट्री की जो पूरी पॉपुलेशन है उसको काउंट किया जाता है सेंसस में। इट ऑल्सो गैदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन इंडिया, इसके अलावा इस सेंसस में जो है और भी डिटेल इंफॉर्मेशन जो भी लोग भारत में रह रहे हैं उनके बारे में जो है प्राप्त की जाती है, जैसे कि उनकी एज क्या है, स्कूलिंग यानी कि कितना पढ़े लिखे हैं, क्या काम करते हैं, व्हाट वर्क दे डू एंड सो ऑन, इस तरीके से काफ़ी सारी जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट की जाती है। वी यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू मेज़र मैनी थिंग्स, अब इस सारे इंफॉर्मेशन को हम बहुत सारी चीज़ों को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइक द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल, पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी है, ठीक है, जनगणना करेंगे उसमें से पता लगेगा इतने लोग इतने पढ़े हैं, इतने लोग नहीं पढ़े हुए हैं, तो उससे हमें पता लगेगा कि कितने लोग लिटरेट हैं, कितने लोग शिक्षित हैं। एंड द रेशो ऑफ मैन एंड वुमेन, पुरुषों और महिलाओं के रेशो क्या है, कि कितने महिलाएं हैं, कितने जो है पुरुष है एक एरिया में या पूरी कंट्री में। अकॉर्डिंग टू द 1961 सेंसस अबाउट 40% ऑफ ऑल बॉयज एंड मैन, जो 1961 में जो सेंसस किया गया था उसके अकॉर्डिंग 40% बॉयज़ या जो मैन थे 7 ईयर्स ओल्ड एंड अबाउट, 7 साल और उससे ऊपर के, वर लिटरेट, वो क्या थे, पढ़े लिखे थे।
दैट इज दे कुड एटलीस्ट राइट देयर नेम्स, मतलब इतना पढ़े लिखे तो थे कि वो कम से कम अपना नाम लिख सकते थे, ठीक है. कंपेयर टू जस्ट 15% ऑफ ऑल गर्ल्स एंड वीमेन, जबकि महिलाएं सिर्फ 15% ऐसी थी जो इतनी पढ़ी लिखी थी कि अपना नाम लिख सकती थी. ये 1961 का डेटा है. इन द मोस्ट रिसेंट सेंसेस ऑफ 2001 दीज फिगर्स हैव ग्रोन टू 76% फॉर बॉयज एंड मैन एंड 54% फॉर गर्ल्स एंड वीमेन. जो 2001 का जो सेंसस हुआ था, 2001 में जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग फिगर्स थोड़ी सी जो हैं बढ़ी हैं. अब क्या है, 76% बॉयज़ और मेन जो हैं पढ़े लिखे हैं और 54% गर्ल्स और वीमेन पढ़ी लिखी हैं. लेकिन फिर भी डिफरेंस तो है ना, बराबर तो अभी भी नहीं है कि जितने जो मेन पढ़े लिखे हैं बॉयज़ पढ़े लिखे हैं उतने ही गर्ल्स या वीमेन भी पढ़े लिखे हैं. दिस मीन्स दैट द प्रोपोर्शन ऑफ बोथ मैन एंड वीमेन हु आर नाउ एबल टू रीड एंड हैव एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ स्कूलिंग हैज इंक्रीज्ड. इसका मतलब क्या है कि जो प्रपोर्शन है पुरुषों का और महिलाओं का वो दोनों का ही बड़ा है कि दोनों ही शिक्षित हुए हैं, लेकिन दोनों का डिफरेंस है अभी भी, ठीक है. प्रपोर्शन तो बड़ा है, जैसे कि पहले सिर्फ 15% और 40% थे, अभी वो बढ़ के जो है 54% और 76% हो गए हैं. तो प्रपोर्शन तो हम कह सकते हैं कि बड़ा है जो लोग स्कूल में जा रहे हैं, बट यू कैन ऑल्सो सी द परसेंटेज ऑफ मेल ग्रुप इज स्टिल हायर देन द फीमेल ग्रुप. जितने लोग जितने पुरुष पढ़े लिखे हैं उतनी महिलाएँ पढ़े लिखी नहीं हैं. जो परसेंटेज है पुरुषों का वो अभी भी ज़्यादा है, ठीक है. पढ़े लिखे पुरुष जो है ज़्यादा हैं, महिलाएँ कम हैं. The gap has not gone away. ये जो gap है ये अभी तक भी खत्म नहीं हुआ है. Here is a table that shows the percentage of girls and boys who leave schools from different social groups. नीचे जो है आपको टेबल दी गई है कि अलग अलग ग्रुप से कितने बॉयज और गर्ल्स जो है स्कूल जाते हैं. Who leave school from different social groups. जो है जो लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं स्कूल्स. शेड्यूल्ड कास्ट इज द ऑफिशियल टर्म फॉर दलित, शेड्यूल ट्राइब इज द ऑफिशियल टर्म फॉर आदिवासी, ठीक है. जहाँ एस टी लिखा है उसका मतलब है दलित और जहाँ एस टी लिखा है उसका मतलब है आदिवासी. तो आप ये टेबल पढ़ सकते हो, समझ सकते हो. मतलब जो एलिमेंट्री लेवल पे स्कूल छोड़ गए, प्राइमरी लेवल पे स्कूल छोड़ गए या सेकेंडरी लेवल 9th 10th करने के बाद स्कूल छोड़ गए, उन सबके नंबर आपको यहाँ पे दे रखे हैं. You have probably noticed in the above table that SC and ST girls leave school at a rate that is higher than the category all girls. आपने देखा इसमें कि जो SC girls, SC और ST की जो girls हैं वो उनका जो school छोड़ने का जो rate है वो higher है total girls से, ठीक है. जो all girls है उससे भी ज़्यादा है, ठीक है. देखो all girls हैं 29 लेकिन SC की है 36. All girls हैं 36 और 49. ऑल गर्ल्स 53 हैं एलिमेंट्री में, 62 और 71 हैं एस सी एस टी की. सेकेंडरी पे 65, 76, 81, मतलब टोटल गर्ल्स जितना छोड़ रही हैं उससे कहीं ज़्यादा परसेंटेज एस सी और एस टी की लड़कियाँ हैं जो पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं, ठीक है. दिस मीन्स दैट गर्ल्स हु आर फ्रॉम दलित एंड आदिवासी बैकग्राउंड आर लेस लाइकली टू रिमेन इन स्कूल. इसका मतलब ये है कि जो दलित और आदिवासी बैकग्राउंड की जो लड़कियाँ होती हैं वो जो है स्कूल में बहुत ही कम पढ़ती हैं या रहती हैं. द 2001 सेंसस ऑल्सो फाउंड दैट मुस्लिम गर्ल्स आर लेस लाइकली दैन दलित एंड आदिवासी गर्ल्स टू कम्प्लीट प्राइमरी स्कूल. 2001 के सेंसस से हमें ये भी पता चलता है कि जो मुस्लिम लड़कियाँ हैं वो दलित और एससी से भी पहले प्राइमरी स्कूल को छोड़ देती हैं. ठीक है, मतलब वो प्राइमरी स्कूल भी कंप्लीट नहीं कर पाती हैं. वाइल अ मुस्लिम गर्ल इज लाइकली टू स्टे इन स्कूल फॉर अराउंड 3 years, गर्ल्स फ्रॉम अदर कम्युनिटी स्पेंड अराउंड 4 years इन द स्कूल. जैसे जो नॉर्मल टाइम है कि 4 साल तो कोई लड़की स्कूल में पढ़ती है, तो मुस्लिम लड़की सिर्फ 3 ही साल स्कूल में जा पाती है, ठीक है. तो मुस्लिम जो लड़कियाँ उनकी कंडीशन और भी खराब है. देर आर सेवरल रीजन्स वाई चिल्ड्रन फ्रॉम दलित आदिवासी एंड मुस्लिम कम्युनिटीज लीव स्कूल. अलग अलग कारण हैं जिनकी वजह से जो दलित हैं आदिवासी हैं या मुस्लिम कम्युनिटीज़ की जो लड़कियाँ हैं वो स्कूल छोड़ देती हैं. इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरियाज देयर मे नॉट इवन बी प्रॉपर स्कूल्स नॉट टीचर हु टीच ऑन अ रेगुलर बेसिस. हमारे देश के बहुत सारे भागों में स्पेशली जो पिछड़े हुए रूरल एरिया है, गरीब एरिया है, वहाँ पे ना तो प्रॉपर स्कूल है और ना ही टीचर हैं जो कि रेगुलर क्लासेस बच्चों की लगा सकें. इफ़ अ स्कूल इज़ नॉट क्लोज
टू द पीपल्स होम एंड देर इज नो ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस और वैंस, पेरेंट्स मे नॉट बी विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल. अगर स्कूल जो है घर के पास ना हो या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन की कोई फैसिलिटी ना हो, बस ना हो, वैन ना हो, तो पेरेंट्स जो है अपनी लड़कियों को जो है स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते हैं. मैनी फैमिलीज आर टू पुअर एंड अनेबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ एडुकेटिंग देयर चिल्ड्रन. कुछ परिवार जो है वो इतने पुअर हैं कि वो एडुकेट मतलब शिक्षा का जो खर्च है उसको ही उठा नहीं सकते अपने बच्चों के लिए. बॉयज़ में गेट प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन. अगर मान लो पैसा कम है, किसी गरीब परिवार है, तो वहाँ पे जो है प्रेफरेंस लड़कों को दी जाएगी कि चलो लड़कों को पढ़ा लेते हैं, लड़कियों को रहने देते हैं. ठीक है. मैनी चिल्ड्रन ऑल्सो लीव स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय देयर टीचर एंड क्लासमेट्स, जस्ट लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज. ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी हमने पढ़ी थी. तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इस वजह से भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके जो टीचर्स होते हैं, जो फेलो क्लासमेट्स होते हैं, वो उनके साथ भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. ठीक है. विमेंस मूवमेंट देखते हैं कि आंदोलन कौन कौन से चलाए हैं महिलाओं ने. Women and girls now have the right to study at both two school. आज के समय में जो है महिलाओं के पास, लड़कियों के पास ये right है कि वो school जा सकें. There are other spheres like legal forms, violence and health, where the situation of women and girls has improved. और भी आजकल जो है spheres हैं, और भी मतलब चीज़ें हैं, जैसे कि legal reforms, legal को सुधार किए गए हैं, violence and health, जहाँ पे महिलाओं की मतलब महिलाओं के ऊपर हिंसा होना या महिलाओं की हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इन सारी सिचुएशन में भी जो है इम्प्रूवमेंट हुई है. दीज चेंजेस हैव नॉट हैपेंड ऑटोमेटिकली. ये सारे जो चेंजेस हैं ये ऑटोमेटिकली नहीं हुए हैं. वीमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल टू ब्रिंग अबाउट दीज चेंजेस. महिलाओं ने अकेले दम पे और ग्रुप में इकट्ठे होकर इन सारे जो चेंजेस हैं इनके लिए बहुत स्ट्रगल किया है. This struggle is known as the women's movement. इसी struggle को, इसी संघर्ष को जो है women's movement कहा जाता है, महिलाओं का आंदोलन कहा जाता है. Individual women and women's organizations from different parts of the country are part of the movement. जो कुछ महिलाएं या महिलाओं के कुछ जो organizations हैं देश के अलग अलग कोनों से, वो इस इन मूवमेंट्स में जो है पार्टिसिपेट करती हैं. मैनी मैन सपोर्ट द वुमेंस मूवमेंट एज वेल. कुछ जो पुरुष हैं वो भी महिलाओं के इस मूवमेंट का समर्थन करते हैं. द डाइवर्सिटी, पैशन एंड एफर्ट्स ऑफ दोज इन्वॉल्व मेक्स इट अ वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट. जो मतलब जिन लोगों ने इनमें पार्टिसिपेट किया, महिलाओं ने या पुरुषों ने, उनका जो उनकी जो डाइवर्सिटी थी कि हर महिला मतलब हर तबके की, हर समाज की महिला उसमें जो है उसमें भाग लिया, उनका जो पैशन था, जो जोश था और जो एफर्ट्स उन्होंने दिखाए, वो उन्होंने इस मूवमेंट को काफ़ी वाइब्रेंट बना दिया. डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैव बीन यूज टू स्प्रेड अवेयरनेस. अलग अलग तरीके अपनाए गए ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, फाइट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके एंड सीक जस्टिस, और न्याय को जो है प्राप्त किया जा सके. हेयर आर सम ग्लिम्सेस ऑफ दीज स्ट्रगल. कुछ जो संघर्ष थे उनके कुछ जो है आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताया गया है उनके बारे में. कैंपेनिंग, कैंपेन्स टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीमेन्स मूवमेंट. कैंपेन चलाना जो है ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. और जो वायलेंस होते हैं महिलाओं के अगेंस्ट, तो जो कैंपेन चलाए जाते हैं वो महिलाओं के आंदोलन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं. कैंपेन्स हैव ऑल्सो लेड टू द न्यू लॉज बीइंग पास्ड. कैंपेन्स जो है नए कानून बनाने के लिए भी रास्ता खोलते हैं. अ लॉ वॉज पास्ड इन 2006 टू गिव वीमेन हु फेस फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस विद इन देयर होम्स, ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस, सम लीगल प्रोटेक्शन. 2006 में जो है महिलाओं को एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई थी, ऐसी महिलाओं को जो कि घरों में हिंसा को झेलती है, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल हो. ठीक है. तो उनको उससे बचाने के लिए लीगल प्रोटेक्शन दी गई. सिमिलरली एफर्ट्स मेड बाय द वीमेन्स मूवमेंट लेट द सुप्रीम कोर्ट टू फॉर्मुलेट गाइडलाइंस इन 1997 टू प्रोटेक्ट वीमेन अगेंस्ट सेक्शुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस एंड विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. महिलाओं के मूवमेंट के थ्रू ही जो सुप्रीम कोर्ट था हमारा, उसने कुछ गाइडलाइंस फ्रेम की थी 1997 में, ताकि जो सेक्सुअल हरासमेंट होती है महिलाओं की काम के स्थान पर, यानी कि जहाँ पे वो नौकरी करती है, जहाँ पे पढ़ाई करती है, वहाँ पे उसको रोका जा सके. इन द 1980s फॉर एग्जाम्पल वीमेंस ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डॉरिन डेथ. दहेज की वजह से होने वाली जो
मृत्यु थी उसके खिलाफ 1980 में महिलाओं ने जो है आवाज़ उठाई. केसेस ऑफ यंग ब्राइड्स बीइंग मर्डर्ड बाय देयर इन-लॉज और हस्बैंड्स ग्रीडी फॉर मोर डॉरी. ऐसे केसेस जहाँ पे जो दुल्हनें थी उनको मारा जा रहा था उनके पतियों के द्वारा या ससुराल वालों के द्वारा ताकि दहेज के लालच में. विमेंस ग्रुप स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलियर टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस. महिलाओं ने जो है आवाज़ उठाई क्योंकि ये जो केसेस थे इनको न्याय नहीं मिला था. दे डिड सो बाय कमिंग ऑन टू द स्ट्रीट. ऐसा उन्होंने जो है सड़कों पे आके करा, गलियों में आके करा, अप्रोचिंग द कोर्ट्स, कोर्ट्स में जाके करा एंड बाय शेयरिंग इन्फॉर्मेशन और इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करके किया. इवेंचुअली दिस बिकेम अ पब्लिक इशू इन द न्यूज़पेपर्स एंड सोसाइटी एंड द डोरी लॉ वर चेंज टू पनिश फैमिलीज हू सीक डोरी. और उसके बाद ये इशू जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश होने लगा, बहुत पॉपुलर हो गया. तो उसके बाद जो है कानून डोरी लॉज बनाए गए, डोरी लॉज जो है चेंज किए गए ताकि जो फैमिलीज है जो दहेज मांगती है ऐसे फैमिलीज को पनिश किया जा सके. ठीक है, रेजिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस को रेज करना, बढ़ावा देना. एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट वर्क इज टू रेज पब्लिक अवेयरनेस. एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो वुमेन्स के इस मूवमेंट का होता है वो होता है पब्लिक अवेयरनेस को जगाना ऑन वुमेन्स राइट इशू, महिलाओं के जो हक है उनके प्रति. देयर मैसेज हैज बीन स्प्रेड थ्रू स्ट्रीट प्लेस सॉन्ग्स एंड पब्लिक मीटिंग. अपना मैसेज किस किस के थ्रू देती हैं ये, कुछ गलियों में कुछ नाटक करती हैं, सॉन्ग्स के थ्रू या फिर पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू प्रोटेस्टिंग. द वुमेन्स मूवमेंट रेज इट्स वॉइस व्हेन वायलेंट वायलेशंस अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस और फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ लॉ और पॉलिसी एक्ट्स अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट. महिलाएं जो है, महिलाओं का आंदोलन जो है अपनी आवाज़ उठाता है जब कोई वायलेशन होती है, कोई मतलब कोई चीज़ महिलाओं के खिलाफ होती है या फिर कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसा कानून आता है जो कि उनके इंटरेस्ट के खिलाफ हो. पब्लिक रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन आर वेरी पावरफुल वे ऑफ ड्रॉइंग अटेंशन टू इनजस्टिस. जो ये अन्याय हो रहे हैं इनके प्रति जो है ध्यान दिलाने के लिए पब्लिक रैली की जाती है, डेमोन्स्ट्रेशन धरने प्रदर्शन किए जाते हैं. इस तरीके से देखो जैसे नीचे इमेज दिखाई है आपको, ठीक है, ताकि आवाज़ उठाई जा सके जो भी इनजस्टिस हो रही है उनके खिलाफ. शोइंग सॉलिडरिटी, द वुमेन्स मूवमेंट इज ऑल्सो अबाउट शोइंग सॉलिडरिटी विद अदर वुमेन एंड कॉजेज. दूसरी महिलाओं के साथ जो है सॉलिडरिटी मतलब एक तरीके से उनसे अपना जो है जो दूसरी महिलाएं हैं या जो दूसरी घटनाएं हैं उनके साथ जोड़ के देखने से भी जो है मतलब उनको बढ़ावा देके कि हाँ आपके किसी और के साथ गलत हुआ है तो उसके लिए आवाज़ उठाना. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी महिलाओं ने की हैं. क्लियर, तो इन सारी चीज़ों को करने के बाद ही जो फाइनली आज जो महिलाओं की कंडीशन जो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, जो कानून बन रहे हैं नए, वो इन सब चीज़ों का ही परिणाम है. ठीक है, यहाँ आपका चैप्टर जो है कंप्लीट होता है.